वेलकम बैक एवरीवन। कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन फार्मेसी में हम लोगों ने यूनिट 3 में फार्माकोलॉजी देख लिया था और काफ़ी सारे टॉपिक्स इसके हो चुके हैं। कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग हैं, आज वो कवर हो जाएंगे और आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। सो, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं आज। सबसे पहले है मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड एडहेरेंस मॉनिटरिंग, देन ड्रग इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल। ड्रग इंफॉर्मेशन स्टोरेज के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फिनिश कर ली हैं, उसके एग्जांपल्स भी देख ली हैं। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो पॉइंट्स रिमेनिंग है, वो हम हिस्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे कि कब से ड्रग इंफॉर्मेशन स्टोरेज स्टार्ट हुआ और क्या क्या प्रोग्रेस हुई, वो चीज़ देखेंगे इसमें। देन बारकोड इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, आज सभी जानते हो बारकोड का यूज़ क्या है। हर प्रोडक्ट पे बारकोड होता है और उससे सेफ्टी भी होती है और उसके कुछ बेनिफिट्स और भी हैं, वो हम लोग देखेंगे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या क्या यूसेज हैं उसके। देन डायग्नोस्टिक सिस्टम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है फार्मेसी का, बहुत ही इसमें इमेजिंग, इमेज प्रोसेसिंग, ये सब भी चीज़ें यूज होती हैं। देख लेंगे अभी क्या क्या चीज़ें यूज हो रही हैं इसमें, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड एडहेरेंस मॉनिटरिंग। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब कोई पेशेंट किसी डॉक्टर से अपना मेडिकेशन लेता है, तो डॉक्टर पहले चेक करता है उसको क्या बीमारी है और क्या मतलब इलनेस है उसकी, फिर उसका पूरा कोर्स देखता है कि जैसे अगर कोई बीमारी है उसको, मान लो कोई डिजीज़ है उसे, उस डिजीज़ के लिए वो क्या करता है, 4 या 5 डेज का पूरा कोर्स होता है, राइट। 4 या 5 डेज का पूरा कोर्स होता है, बट पेशेंट जब पहले दिन मेडिसिन लेता है उसे कुछ अच्छा महसूस होता है, 1 या 2 दिन के बाद वो दवाई लेना या मेडिकेशन लेना बंद कर देता है। होता क्या है इशू कि जैसे 4 to 5 डेज का कोर्स था, अगर वो पूरा प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लेता है तो बहुत सारे चांसेस हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि वो बीमारी उसे वापस 2 दिन जैसे छोड़ता है उसे, 3रे दिन के बाद से फिर से उसे लग जाती है, राइट, उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि पेशेंट के लिए जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि इतने दिन का ये कोर्स या मेडिकेशन आपको करना ही है, उसे करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। एडहेरेंस कुछ भी नहीं है, बस जो डॉक्टर कह रहा है उसको फॉलो करना, वही होता है एडहेरेंस। अब ये बात कैसे पता चलेगी कि जो डॉक्टर ने कहा वो पेशेंट फॉलो कर भी रहा है कि नहीं, या उसने छोड़ दी, उसकी मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, राइट। इस टॉपिक का यही एक काम है, यूजिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग द एडहेरेंस ऑफ पेशेंट, राइट। पेशेंट डॉक्टर के कहे हुए कोर्स के हिसाब से मेडिकेशन पूरा करता है कि नहीं, उसे मॉनिटर करने के लिए मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज की गई है, राइट। तो इसी के कुछ पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। वेट, फाइन। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, डॉक्टर्स इन एंशियंट टाइम्स यूज टू फेस अ मेजर चैलेंजेस इन इम्प्रूविंग मेडिकेशन एडहेरेंस इन पेशेंट्स। दीज 50% पेशेंट्स लीव दियर मेडिकेशन कोर्स इन मिडल। पहले से ही भी कह रहे हैं कि जब डॉक्टर उनको कोर्स, कोई डॉक्टर बोलता था तो वो बीच में ही कोर्स अपना मेडिकेशन का छोड़ देते थे, ये पहले से ही होता रहा, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं थी हमारे पास, राइट। अब उसमें क्या देखते हैं, Using mobile technology, the pharmacist and other healthcare providers are able to improve patient health, maintaining medication adherence. Medication adherence means जो उसको medication prescribe किया गया है उसको वो follow करे, right? Okay. Third point, mobile technology plays a significant role in driving efficiency. अगर वो medication अपना सही से ले रहा है नहीं ले रहा है, उसकी efficiency improve करेगा। Accuracy, timely. कोई मेडिसिन है तो उसे टाइमली ले रहा है कि नहीं, अगर ये सब चीज़ें फॉलो करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव करेगी, फार्मेसीज की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेगी। ओके, बेनिफिट्स क्या हैं पेशेंट के लिए, मेडिकेशन रिमाइंडर्स, मोबाइल के थ्रू उसको रिमाइंड कराया जा सकता है कि आपकी दवाई का टाइम हो गया, आपको दवाई खानी चाहिए, या फिर आपने अभी तक दवाई कंटिन्यू कर रखी है कि नहीं, अभी आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। एडहेरेंस रिपोर्ट्स, इस तरह से एडहेरेंस रिपोर्ट्स भी जनरेट की जा सकती हैं कि यस, आपने टाइमली उस मेडिकेशन को फॉलो किया है कि नहीं। ऑटोमेटिक और वन टैप फिल रिक्वेस्ट, अगर आपको कोई इश्यूज हैं तो आप अपनी रिक्वेस्ट को जल्दी से फिल करके भेज सकते हैं, वो सब ऑटोमेटिक भी है या फिर आप उसे अपने हिसाब से फिल करके भेज सकते हैं।
प्रिस्क्रिप्शन प्लान एंड कार्ड इन्फॉर्मेशन, प्रिस्क्रिप्शन का क्या प्लान था और आपके कार्ड की उस हिसाब से आपका हेल्थ कार्ड बना होगा उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सब आप उस मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके देख सकते हैं. मेडिकेशन रेफरेंस एंड एजुकेशन, आपको उस जो आपकी इलनेस हुई है उसके बारे में एजुकेट भी किया जा सकता है यूजिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी. अब मैसेज हो सकता है या फिर कोई भी वेबसाइट के थ्रू आपको एजुकेट किया जा सकता है. ईमेल द फार्मासिस्ट, अगर कोई इश्यूज हैं तो आप फार्मेसी जो फार्मासिस्ट है उसको ईमेल करके भी जानकारी ले सकते हो. इन सब चीज़ों का जो यूज़ आज आप लोग देख रहे हो, जैसे COVID-19 चल रहा है उसमें मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत बढ़ गया है, राइट? ओके, तो पेशेंट के लिए ये था. अगर फार्मासिस्ट के लिए यूज़ देखें मोबाइल टेक्नोलॉजी का, तो वो हो गया ड्रग ऑर्डरिंग, राइट? पोर्टेबल ड्रग रेफरेंसेस, ड्रग अगर यहाँ नहीं मिल रही तो कौन सी, या फिर अगर ये कंपनी की ड्रग अवेलेबल नहीं है तो दूसरी किस कंपनी की दी जा सकती है, लाइक दैट. डोजेस कैलकुलेटर, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अब स्टोर्ड है पहले से इनके पास कि कितनी डोज देनी चाहिए, क्या देना चाहिए, वो सारे रेफरेंसेज उनको मिल जाते हैं. तो डोजेस कैलकुलेटर भी यूज़ किया जाता है एज ए डोजेस कैलकुलेटर. फाइन. सिक्योर पेशेंट कम्युनिकेशन, डॉक्टर और पेशेंट का जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर होता है, कोई और नहीं जानेगा उसके बारे में. रीफिल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, जो रिक्वेस्ट मैनेजमेंट है उसको रीफिल भी कर सकते हैं. रीफिल इन द सेंस कितनी भी आप रिक्वेस्ट करो, चाहे डॉक्टर करे चाहे पेशेंट करे, वो सारे एक दूसरे के रिक्वेस्ट जो मैनेजमेंट होता है उसे फुलफिल किया जा सकता है. ओके, ये सब तो बहुत ईजी चीज़ें थी कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का फार्मासिस्ट और पेशेंट के लिए क्या यूज है. एडहेरेंस मॉनिटरिंग समझ गए. फाइनली कंक्लूजन में आप ये कह सकते हो कि जो डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने जो पेशेंट के लिए मेडिकेशन बनाया है उस मेडिकेशन को, लिख देते हैं पूरा, उस मेडिकेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं. अगर फॉलो कर रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग यूजिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी, यही है मोबाइल टेक्नोलॉजी यूजिंग एडहेरेंस मॉनिटरिंग. फाइन. ओके, सेकेंड टॉपिक जो होता है वो है ड्रग इन्फॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल. ड्रग इन्फॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल से क्या मतलब हुआ कि जैसे जो भी ड्रग्स हैं, आपको पिछले जो लेक्चर्स थे उनमें काफ़ी सारी बातें हुई कि ड्रग्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग अपने कंप्यूटर्स में डेटाबेस में स्टोर करके रखते हैं, राइट? अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है, जैसे सर्च कर सकते हैं कि हमारे यहाँ वो मेडिसिन है कि नहीं, अगर नई मेडिसिन कोई ऐड कर रहे हैं तो हम वहाँ डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं. पहले से कोई मेडिसिन है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम अपडेट कर सकते हैं. अगर कोई मेडिसिन जो एक्सपायर हो गई है हम अपने डेटाबेस से उसे डिलीट कर सकते हैं. तो ये सारे ऑपरेशंस थे हम लोग जो डेटाबेस में परफॉर्म कर रहे थे. इसी तरह ड्रग इन्फॉर्मेशन का पूरा एक डेटाबेस होता है हमारे पास, ज़रूरत पड़ने पर हम इन्फॉर्मेशन उससे रिट्रीव कर सकते हैं, सर्च करके रिट्रीव कर सकते हैं. फाइन. अब इसके बारे में बहुत सारे सिस्टम्स हम लोग पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं. हम देखते हैं थोड़ा अपने यहाँ कब से ये सब यूसेज स्टार्ट हुआ. ओके, कब से डेटाबेस वगैरह बनना स्टार्ट हुआ था, हम लोग वो चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं. ओके, पहली चीज़, द फार्मासिस्ट कैन सॉल्व द क्वेरीज. क्वेरीज मीन्स जो भी पेशेंट अपनी रिक्वेस्ट करता है कि ये चीज़ बताओ, ये मेडिसिन है कि नहीं, वो सारी चीज़ें. अबाउट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, ड्रग इंटरेक्शंस, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, जो ड्रग से रिएक्शंस हो सकते हैं, या फिर कोई टॉक्सिक ड्रग आपने ले ली है तो कोई प्रॉब्लम हो गई है, ये सारी चीज़ें हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई ड्रग है कि नहीं. ये सारी जानकारी हम अपने कंप्यूटर्स में जो डेटाबेस होता है वहाँ से ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे और पता कर लेंगे. ओके, इस पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट, द कंप्यूटराइज्ड इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सेव्स टाइम एंड प्रोवाइड्स थॉरो इन्फॉर्मेशन, राइट? पहले क्या होता था, अगर आपको कुछ पढ़ना है तो बुक्स में जाओ, बुक्स देखो, लिटरेचर देखो, वहाँ पे बहुत सारा टाइम लगता था किसी एक मेडिसिन के बारे में पढ़ने में. आजकल आप सर्च बटन के पास जाइए और वहाँ पर अपना सर्च बॉक्स में कोई मेडिसिन का नाम लिखिए, सर्च करिए, विद इन अ सेकेंड्स आपको वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है. तो टाइम सेविंग तो है ही. नेक्स्ट, दिस इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम कैन बी ऑपरेटेड यूजिंग माइक्रो कंप्यूटर, प्रिंटर, टेलीफोन लाइन एंड अ मॉडेम. जाहिर सी बात, आपके पास इंटरनेट है तो आप अपने मोबाइल के थ्रू, प्रिंटर के थ्रू, टेलीफोन का यूज़ करके, किसी का भी यूज़ करके सारी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, अब देखते हैं हिस्ट्री में क्या हुआ.
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन क्रिएटेड अ कंप्यूटराइज्ड मेडिकल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, उसका नाम क्या रखा? मेडलर्स। इसका फुल फॉर्म क्या था? मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम इन 1964 में सबसे पहले नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन उसने कंप्यूटर में एक सिस्टम क्रिएट किया था, कंप्यूटर सिस्टम क्रिएट किया था, या आप कह सकते हो ड्रग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट किया था जिसका नाम था मेडलर्स। उसमें कैसी इन्फॉर्मेशन रखी होगी? मेडिसिन से रिलेटेड लिटरेचर होगा, एनालिसिस होगी, उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं। फाइन, ओके, 1964 में मेडलर्स आया। देन इट हैज़ वेस्ट इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग 25,000 आर्टिकल्स, बुक्स एंड जर्नल्स। जाहिर सी बात है, इन्फॉर्मेशन कैसी होगी? या तो उस मेडिसिन के ऊपर आर्टिकल लिखे गए होंगे, बुक्स लिखी गई होंगी, जर्नल्स लिखे गए होंगे, ये सारी चीज़ें उसने स्टोर करके रखा था। नेक्स्ट, देन आए 1971 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, उसने फिर से एक नया सिस्टम क्रिएट किया जिसे मेडलाइन कहा। ओके, मेडलाइन मीन्स मेडलर्स ऑनलाइन, ओके, विच इज फास्ट वर्किंग सिस्टम। ये सिस्टम ऑनलाइन था और आप कहीं से भी बैठ के ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे। 1971 में नया सिस्टम आ गया, मेडलाइन। ठीक है, तो ये सब हिस्ट्री रिलेटेड बातें। आजकल क्या है, आज सब जानते ही हो, और इसके एग्जाम्पल्स हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं। ओके, बारकोड इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। बारकोड के बारे में सभी जानते हो, बारकोड कैसा होता है? कुछ ऐसा पेटीएम का भी बारकोड देखा होगा, यहाँ ये ऐसे 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 कुछ यहाँ पे ब्लैक ब्लैक से कोड्स बने होते जो आप नहीं देख सकते हो, बट कंप्यूटर के थ्रू उन्हें रीड किया जा सकता है। ठीक है, तो बारकोड्स का क्या यूज है? आप स्कैन कर सकते हो, किसी की आइडेंटिटी स्कैन कर सकते हो और उसके बैंक अकाउंट स्कैन कर सकते हो और डेटा वहां पे भेज सकते हो। फाइन, अब इसके बारे में देखते हैं, कुछ इसके यूसेज जो है वो देख लेते हैं। फाइन, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, बारकोड इज अ टू डायमेंशनल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। टू डायमेंशनल मतलब ये है, ये और ये रो एंड कॉलम के फॉर्म में जो होते हैं उन्हें टू डायमेंशनल कहते हैं। ये हो गया सिंगल डायरेक्शनल, ये हो गया टू डायरेक्शनल। ठीक है, ओके, टू डायरेक्शनल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, इसीलिए इसको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ऑफ डेटा दैट इज रीडेबल ओनली बाय अ मशीन हैविंग अ बारकोड स्कैनर। बारकोड को आप बारकोड स्कैनर मशीन के थ्रू ही रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, बारकोड्स आर यूजफुल इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री व्हेन पेशेंट वॉक इनटू द हॉस्पिटल टिल दे पिक अप द मेडिकेशन एट द फार्मेसी। अगर वो जब से एंटर करता है और जब वो वहां से मेडिकेशन लेके निकलता है, तब तक जो भी काम है उसके सारे हम बारकोड का यूज करके फिनिश कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो चीजें अभी बीच में बाद में आएंगी। देखो, द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट कैन बी हैंडल्ड यूजिंग अ बारकोड टू विच दे वियर इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट। जैसे पेशेंट भर्ती होता है, उसके हाथ पे ब्रेसलेट टाइप का एक बांध देते हैं, उस ब्रेसलेट के ऊपर एक बारकोड लगा देते हैं। जब भी पेशेंट को, जैसे पूरे हॉस्पिटल में वो कहीं भी जा सकता है, हॉस्पिटल आजकल बड़े बड़े होते हैं आप जानते ही हो, कहीं पे रेडियोलॉजिस्ट की कहीं सेकेंड फ्लोर पे है, एक्सरे थर्ड फ्लोर पे है, लाइक दैट। तो पूरी बिल्डिंग में आप जाओगे, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपके साथ एक पूरा आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेके नहीं जाना पड़ेगा, सिंपल आप बारकोड वहाँ पे आपका वो स्कैन करेगा और आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री वो अपने कंप्यूटर पे देख सकता है, राइट? अब ये सब तो एक्सपीरियंस भी किया होगा अगर कोई इस तरह हॉस्पिटल गया होगा वहां, तो मैंने तो फिर देखा है। ओके, फॉलोइंग सिक्स वेज बारकोड्स कैन बी यूज्ड इन पेशेंट जर्नी। कैसे? बारकोड मेडिसिन आइडेंटिफिकेशन। मेडिसिन के ऊपर बारकोड्स लगे होते हैं जिससे स्कैन करके पहचाना जा सकता है कि वो कौन सी मेडिसिन है और उसकी क्या पूरी इन्फॉर्मेशन है। पेशेंट सेफ्टी एंड आइडेंटिफिकेशन। पेशेंट के ऊपर बारकोड लगा दिया तो उससे हम लोग उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं पूरे हॉस्पिटल में या कहीं भी, राइट? सेव्स रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है, अब आपको पूरी फाइल लेके नहीं चलनी है, इवन अगर हाँ पूरी फाइल लेके नहीं चलनी है, और भी अदर रिसोर्सेज की जरूरत होती है, अब वो साथ में लेके नहीं चलना है, आप एक बारकोड आपके हाथ में होगा जिसे स्कैन करके वो इन्फॉर्मेशन सारी कहीं भी देखी जा सकती है। स्पेसिमेन कलेक्शन, ये क्या होता है ये आप लोग मुझे बताओगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी, ये मुझे नहीं पता है।
पता क्या, अब ऐसे सोच सकते हो कि जैसे ब्लड बैंक कभी गए हो तो वहाँ से ब्लड जो मिलता है उसके ऊपर भी बार कोड लगा होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप उसे स्कैन करके कहीं भी निकाल सकते हैं। बार बार टेस्ट करके नहीं देखना है हमें कि वो ब्लड कौन सा है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव या कौन सा है। सो ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी भी यहाँ से हो जाती है, ऐसा नहीं होगा कि किसी अदर ग्रुप का ब्लड किसी अदर ग्रुप के पर्सन को चढ़ा दिया जाए। ठीक है, ओके। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये सभी जानते ही हो, मेडिकल स्टोर्स वगैरह या कहीं भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो तुरंत स्कैन करता है और अपने यहाँ वो रख लेता है या आपको प्रोवाइड करा देता है। सो बार कोड का यूज तो आप देख ही रहे हो। ठीक है, ओके। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आती है वो होती है डायग्नोस्टिक सिस्टम। डायग्नोसिस आप सभी लोग जानते हो क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। पहले पूरा प्रोसेस देख लेते हैं फिर अंदर डिटेल में देखते हैं कि क्या चीजें यूज की जाती हैं। ओके, सबसे पहले देखो पेशेंट एक्सपीरियंसेस अ हेल्थ प्रॉब्लम। पेशेंट को पहले महसूस होता है कि शायद उसे कोई बीमारी हुई है, देन वो क्या करता है सब, फिर वो क्या करता है हॉस्पिटल जाने की सोचता है और हेल्थ केयर सिस्टम के साथ इंगेज होता है, मींस वहां पहुंचता है और अपने बारे में बताता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। ओके, जब आके कुछ अपने सिम्टम्स बताता है तो वो इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, देन गैदर की जाती है उसके बाद इस पे आओ। सबसे पहले वन टू थ्री फोर ऐसे देखो, सबसे पहले क्या हुआ रेफरल एंड कंसल्टेशन, कहीं ना कहीं से पूछ के आता है कि वो डॉक्टर या रिसेप्शन पे ही पूछता है कि वो डॉक्टर इस तरह की बीमारी मुझे है ऐसे लोगों से हमें मिलना है। लाइक अगर किसी को हड्डी की प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है वो बोन्स के डॉक्टर के पास जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, सो वो रेफरल हुआ और कंसल्टेशन के लिए गया तो वो क्या कहता है आपकी पहले सबसे सेकंड वाले पॉइंट पे आओ क्लिनिकल हिस्ट्री एंड इंटरव्यू। फिर वो पूछता है कि आपकी हिस्ट्री क्या रही है आपके इस प्रॉब्लम से रिलेटेड और उससे से रिलेटेड वो आपसे इंटरव्यू या मतलब क्वेश्चंस पूछता है। देन आपका फिजिकल एग्जामिन करता है, फिजिकली आपको टच करके या जैसे भी वो देखता है। देन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, उसके हिसाब से जो सिम्टम्स हैं और जो आपको प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से वो टेस्ट वगैरह आपको लिख देता है। फोर्थ पॉइंट हो गया, ये सब होने के बाद फिर पूछता है कि हैज सफिशियंट इन्फॉर्मेशन बीन कलेक्टेड, क्या इस सब चीजों से सफिशियंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो गई है। इन सभी इन्फॉर्मेशन को ये वाला पॉइंट इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन, सारी इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट करता है और उसी हिसाब से वो डायग्नोसिस के लिए टेस्टिंग के लिए भेज देता है। देन वर्किंग डायग्नोसिस, यहाँ पे डायग्नोसिस स्टार्ट होती है। डायग्नोसिस स्टार्ट होने के बाद कम्युनिकेशन ऑफ द डायग्नोसिस, जो भी डायग्नोसिस की गई है यहाँ देखो हेल्थ प्रॉब्लम ये सब पेशेंट की, वो कम्युनिकेट किया जाता है। उसको करने के बाद डॉक्टर उसको कम्युनिकेट करता है, करने के बाद फिर उसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है और उसके बाद देखते हैं कि क्या उसका फायदा हुआ है, राइट। तो डायग्नोसिस प्रोसेस आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से पॉइंट्स इसमें देख लो कैसे किया जाता है ये सब। ये डायग्नोसिस करने के लिए टेस्टिंग करने के लिए सब चीज़ें क्या हैं, कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन एक सिस्टम होता है CAD, कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर एडेड डायग्नोसिस, CAD सिस्टम जिसे बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डायग्नोसिस आर सिस्टम्स दैट असिस्ट डॉक्टर्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेडिकल इमेजेस। एक्सरे लिया जाता है तो एक्सरे में कौन सी चीज़ प्रॉब्लमेटिक है दिख रही है या यूजुअल नहीं दिख रही है, इन सब की जो इमेजेस के थ्रू हम लोग जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं वो CAD सिस्टम होता है, कंप्यूटर एडेड डायग्नोसिस। इमेजिंग टेक्निक इन एक्सरे, इमेजिंग टेक्निक जाहिर सी बात है इमेजेस के थ्रू ही सारा काम होता है ना, एक्सरे ले लो MRI ले लो अल्ट्रासाउंड ले लो, इमेजिंग के थ्रू ही वो आपकी डायग्नोसिस करते हैं। क्या फ़ायदा होता है, अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक्स यील्ड अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द रेडियोलॉजिस्ट और अदर मेडिकल प्रोफेशनल हैज टू एनालाइज एंड इवेलुएट कॉम्प्रिहेंसिवली इन अ शॉर्ट टाइम। आपका एक्सरे आता है और तुरंत पता चल जाता है कि आपके लंग्स में कौन सा इश्यू है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चल जाता है पेट में क्या इश्यू है, MRI वगैरह लाइक दैट। इनकी इमेजेस जो आती हैं उनको एनालाइज किया जाता है और सारी इंफॉर्मेशन तुरंत का तुरंत पता चल जाता है। ओके, वो होता है कंप्यूटर एडेड डायग्नोसिस। जिस जिस टेस्ट के लिए आपका कंप्यूटर यूज हो रहा है CAD सिस्टम कहा जाएगा, फाइन।
तो इसमें बात की जा रही इमेजेस के थ्रू सारा काम किया जाता है। ओके, उस पर भी आते हैं आगे, इमेजेस पे कैसे क्या होता है। फिलहाल एक दो पॉइंट और हैं वो देख लो। कैड सिस्टम्स प्रोसेस डिजिटल इमेजेस फॉर टिपिकल अपीरियंसेस एंड टू हाईलाइट कॉस्पिशियस सेक्शंस सच एज पॉसिबल डिजीज इन ऑर्डर टू ऑफर इनपुट और सपोर्ट अ डिसीजन टेकन बाई अ प्रोफेशनल। आप जैसे चेस्ट में आपको कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे COVID-19 है, तो इसमें क्या होता है, खांसी वगैरह आ रही है, कुछ हो रहा है, सबसे पहले जाके आपके एक्सरे होता है लंग्स का। तो उसमें एक्सरे में देखते हैं कि जो व्हाइट व्हाइट पार्ट अगर ज्यादा है, दैट मीन्स वो आपका फिल हो चुका है इन्फेक्शन से लंग्स का। तो जितना ज्यादा पार्ट उनको इमेज में दिखाई देता है व्हाइट व्हाइट, वो सोचते हैं उतना ही ज्यादा आपके लंग्स फिल हो चुके हैं, आपको सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो रही होगी, राइट। तो इस तरह की जो चीजें इंफॉर्मेशन है वो डिजिटल इमेजेस के थ्रू वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल, डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर यूजिंग कैड सिस्टम, राइट। ये सारी डायग्नोसिस किसके थ्रू की जाती है, कैड सिस्टम का यूज करके, एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि जो कैड सिस्टम है, कंप्यूटर एडेड डायग्नोसिस, उसमें इमेजेस का कैसे क्या यूज किया जाता है, उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स देख लो, सिर्फ याद करने स्टेप्स ये, बाकी कुछ नहीं। सबसे पहली बात करते हैं डिजिटल इमेज एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब उस इमेज को क्लिक करना, राइट। जैसे लंग्स का हमने बताया, तो लंग्स का जो एक्सरे लिया जा रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, डिजिटल इमेज एक्वायर कर ली गई या एक्विजिशन हो गया, इमेज मिल गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट होता है इमेज कंडीशनिंग। कई बार क्या होता है कि इमेज थोड़ी सी ब्लर सी होती है, तो उसे हाईलाइट किया जाता है, और जैसे आप नहीं अपने मोबाइल में इमेजेस को सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करते हो, चेंज करते हो, हाईलाइट करते हो, बहुत सारी चीजें ठीक करते हो, तो वो सारी चीजें कंडीशनिंग में आ जाती हैं, राइट। देन फीचर एक्सट्रैक्शन, मान लो आपकी एक्सरे की इमेज कुछ ऐसी थी, उसमें ये लंग और इस लंग में जैसे ये वाला पोर्शन था जहां पे व्हाइट व्हाइट पार्ट ज्यादा था, इस व्हाइट वाले पार्ट को हम जानते हैं कि यूजुअल नहीं है, तो इस वाले पार्ट को हम हाईलाइट करते हैं। इमेज कंडीशनिंग मींस इसकी बाउंड्रीज को हम डार्क कर देंगे, राइट। डार्क करने के बाद फीचर एक्सट्रैक्शन, अब हम पूरी इमेज में से उस वाले पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उस वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, जूम इन करेंगे, जिस जो हमें अनयूजुअल लग रहा है, तो वो हमने फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। फीचर एक्सट्रैक्शन हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है फीचर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मींस अब क्या है, अब जैसे आपके लंग्स में यहां पे व्हाइट पार्ट मिला, तो इस व्हाइट पार्ट मिलने से हमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। पहली चीज है ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, देन अभी कोविड हो चुका है तो कोविड वाली प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक दैट जो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऐसा क्लासिफाई करने की कोशिश की जाती है कि इनमें से कौन सी प्रॉब्लम हुई है, फाइन। तो वो क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद जो पार्ट होता है वो होता है क्लिनिकल डिसीजन। अब इस क्लासिफिकेशन में से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज है, तो मान लो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो फिर उस टीबी के हिसाब से, उस ट्यूबरक्लोसिस के हिसाब से जो मेडिकेशन बनता है वो डिसीजन क्लिनिकल डिसीजन कहा जाता है, ओके। तो ये सारा आपका कैड सिस्टम है, उसके कंपोनेंट्स हैं, फाइन, ओके। जो हमने ये स्टेप्स यहाँ पे बात करी है, उन स्टेप्स को यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिखा गया है, आप लोग एक बार पढ़ लेना तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखो, इमेज एक्विजिशन हो गया, देन इमेज कंडीशनिंग की गई है, तो इमेज फिल्टरिंग जिसे कहते हैं, मान लो हमने कहा नहीं था इस पूरे लंग में ये चीज व्हाइट ज्यादा थी, तो इसको ज्यादा हाईलाइट किया गया, एडजस्ट किया गया, शो किया गया। देन फीचर एक्सट्रैक्शन, इमेज रजिस्ट्रेशन, सब्ट्रैक्शन टेक्निक, टेक्निक का नाम मत याद रखो, बस इतना जान लो कि जो अनयूजुअल पार्ट था उस अनयूजुअल पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, फाइन। फीचर क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स यूज ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन, ये कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनका यूज करके हम पता करते हैं कि अगर ये अनयूजुअल चीज है तो इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती, उनमें से कौन सी है, राइट। ये करने के लिए ये टेक्नोलॉजीज होती हैं, न्यूरल नेटवर्क्स, पैटर्न रिकॉग्निशन। इसके बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम अगर पढ़ना है तो देख लो। उसके बाद क्लिनिकल डिसीजन, फाइन। यहाँ पे एक टर्म है प्रोग्नोसिस, इसके बारे में आप लोग मुझे बताओगे ये क्या होता है, ठीक है। एक डायग्नोसिस होती है, वो तो हम देख ही रहे हैं, प्रोग्नोसिस क्या होती है वो आप लोग बताना, ओके। एप्लीकेशंस क्या है इसके, ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स हैं, पेड्रियाटिक इमेजेस, इमेजिंग, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर, हमें तो पता नहीं है क्या है, और न्यूरो रेडियोलॉजी, एबडोमिनल,
इमेजिंग लाइक दैट, चेस्ट इमेजिंग, ब्रेस्ट इमेजिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एप्लीकेशंस ऑफ कैड। ओके, तो ये था आज का लेक्चर, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, तो इजी भी थी, कोई बहुत टफ नहीं थी, फाइन है। तो ये सारी चीज़ें कर लेना, करने के बाद जो दो तीन चीज़ें पूछी हैं उससे आप लोग आंसर कर देना। ओके ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।